पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा जो हीरो पीटीएक्स था उसको स्टार्टर मिल गया और उसकी जर्नी भी स्टार्ट हो गई। लेकिन गाइज आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो आगे की जर्नी जानते हैं। अनुग्रह फ्रेंड और एनिमी। अब हमारा हीरो पीटीएक्स महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता है। गाइज महाराष्ट्र में उसको पहला जिम बैटल करने का मौका मिलेगा और एक जिम तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान नहीं होता, सब जानते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और हमारा जो ट्रेनर है वो अभी न्यू बाय ट्रेनर है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला ही है। तो गाइज उसका जो सफर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उसको रास्ते में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे और गाइज रास्ते में वो पोकेमोन पकड़ने की भी ट्राई करेगा बहुत ज्यादा। तो चलो हम अपने पीटीएक्स का सफर आगे देखते हैं। तो गाइज अब वो निकल चुका है, रास्ते में उसको एक वाइल्ड पोकेमोन मिलता है और वो पोकेमोन होता है हमारा टेलो। और टेलो के लिए हमारा जो पीटीएक्स होता है वो अपने चार्मेंडर को भेजता है। चार्मेंडर अभी ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो 5 लेवल का ही है, तो इसलिए उसके पास सिर्फ 4 अटैक होते हैं, ग्राउल और एक होता है हमारा स्क्रैच, एक होता है एम्बर और एक गाइज टेल व्हिप, यही सब होते हैं शुरू में, यही सब अटैक होते हैं। तो गाइज जो हमारा जो पीटीएक्स होता है वो बोलता है टेलो के ऊपर एम्बर अटैक यूज करो। गाइज हमारा जो चार्मेंडर होता है वो एम्बर अटैक यूज़ करता है टेलो के ऊपर। तो जब हमारा चार्मेंडर होता है वो एम्बर अटैक यूज़ करता है तो जो टेलो होता है वो जख्मी हो जाता है। तो गाइज उसके बाद जो हमारा पीटीएक्स होता है वो पोकेबॉल फेंकता है, लेकिन एक क्लाइमेक्स आता है जब वो पोकेबॉल फेंकता है तो रास्ते में एक और पोकेबॉल आकर उसकी जो पोकेबॉल होती है उसको कट कर देती है। और गाइज गैस वॉट, ये जो पोकेबॉल होती है ये होती है एक ट्रेनर की जिसका नाम होता है अनुग्रह। और वो ट्रेनर पोकेबॉल तो कट कर देता है, फिर अपने पोकेमोन जिसका नाम होता है स्कॉटल उससे बोलता है कि वाटर गन अटैक यूज कर। और गाइज वो वाटर गन अटैक यूज करता है और फिर वो पोकेबॉल फेंकता है और वो पोकेमोन को पकड़ लेता है। सो गाइज यहाँ पर एंट्री होती है एक न्यू ट्रेनर अनुग्रह। लेकिन ये फ्रेंड है या एनिमी ये तो आगे पता चलेगा कि ये पीटीएक्स से किस तरह बिहेव कर। तो इसके पकड़ने के बाद पीटीएक्स बोलता है वो मेरा पोकेमोन था, तुमने क्यों पकड़ा, तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए। तो गाइज वो बोलता है उस पर तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा था, वो तो एक वाइल्ड पोकेमोन था, उसको कोई भी पकड़ सकता, तुमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी और मैंने एक बार में पकड़ लिया। तो गाइज ऐसे पीटीएक्स समझ जाता कि और भी पोकेमोन मिलेंगे उसे, ये वाला उसके नसीब में नहीं। तो गाइज अब हमारा जो पीटीएक्स होता है वो ढूंढता एक और पोकेमोन की, लेकिन जो हमारा अनुग्रह होता है वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तो पीटीएक्स बोलता है नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो गाइज अनुग्रह बोलता है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। तो जो हमारा पीटीएक्स होता है वो रास्ते में आगे जाता रहता है। तो गाइज जब वो रास्ते में आगे जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसके पीछे पीछे अनुग्रह भी आ रहा है। यस गाइज वो यही नोटिस करता है, लेकिन अनुग्रह उसे पता नहीं लगने देता कि वो उसके पीछे है, लेकिन उसको पता चल जाता है पीटीएक्स को, उसकी आहट हो जाती है। तो गाइज जो हमारा पीटीएक्स होता है वो आगे चलता रहता है, उसे एक और पोकेमोन दिखता है, फिर से उसे टेलो ही दिखता है। तो गाइज इस बार वो ट्राई करता है टेलो पकड़ने की, चार्मेंडर को भेजता है उससे अटैक करवाता है। और गाइज इस बार जो पोकेबॉल फेंकता है हमारा पीटीएक्स तो टेलो 2 बार तो पोकेबॉल घूमती है, लेकिन 3री बार में पोकेबॉल ब्रोक हो जाती है और वो जो हमारा टेलो होता है वो बाहर निकला। तो गाइज अनुग्रह बोलता है, एकदम से अनुग्रह आ जाता है, फिर बोलता है अरे तुमसे ये भी नहीं हुआ, एक छोटा सा पोकेमोन नहीं पकड़ा जा रहा। तो गाइज जो अनुग्रह होता है वो अपने स्क्वाडल से उसको जख्मी करता है, फिर हमारा पीटीएक्स पोकेबॉल फेंक फिर जाकर वो कैप्चर होता है। तो गाइज अब जो हमारा अनुग्रह होता है वो बोलता है तुमसे एक पोकेमोन नहीं पकड़ा जा रहा, तुम क्या ट्रेनर बनोगे और क्या पोकेमोन मास्टर बनोगे। तो गाइज जो हमारा पीटीएक्स होता है वो बोलता है एक दिन देख लेना, मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा दूंगा। तो गाइज जो हमारा अनुग्रह होता है वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तुम्हारे सफर। तो हमारा पीटीएक्स बोलता है क्यों, तुम्हारा क्या लक्ष्य। तो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस पोकेमोन ब्रीडर हूँ, मेरे को नॉलेज इकट्ठी करने में मजा आता है पोकेमोन के बारे में। तो गाइज जो हमारा पीटीएक्स होता है वो बोलता है ठीक है हम दोनों एक साथ चलेंगे। तो यहाँ से एक सफर में एक और कंपेनियन मिल जाता है हमारे पीटीएक्स को। तो गाइज आगे की कहानी देखते हैं हम अगले एपिसोड में, यहाँ पर एक और कंपेनियन मिल चुका है जो हमारे पीटीएक्स का साथ देगा उसके सफर में। तो चलो गाइज आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो बाय बाय।